नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतम रावत और आज हम बात करेंगे मेनू के बारे में और टाइप्स ऑफ मेनू के बारे में। जैसे कि मेनू है हमारे पास आला कार्ट मेनू, टेबल डी हॉट और साइक्लिक मेनू, वॉफेट मेनू और बैंक्विट मेनू एक्सेट्रा। पहला जो हमारा सबसे फेमस मेनू है वो है आला कार्ट मेनू। आला कार्ट मेनू, आला कार्ट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है चॉइस ऑफ मेनू। या इस मेनू में रेट फिक्स होता है और गेस्ट अपनी चॉइस के अनुसार मेनू से अपने डिशेस का ऑर्डर दे सकता है। इस मेनू में वेटर गेस्ट के टेबल से ऑर्डर लेता है और उसे किचन में प्लेस करता है और खाने को अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन के साथ गेस्ट के सामने परोसा जाता है। आला कार्ट मेनू में ब्रेकफास्ट मेनू, लंच मेनू, डिनर एंड रूम सर्विस मेनू, ये सभी मेनू आते हैं। आप चाहे तो ब्रेकफास्ट के आइटम भी आला कार्ट मेनू से चूज कर सकते हैं और अपनी मनपसंदीदा डिश को ऑर्डर कर सकते हैं। उस पे रेट भी उसके सामने लिखा रहता है, इस डिश का इतना रेट होता है और उसमें इंग्रेडिएंट भी लिखे होते हैं कि इस डिश में ये इंग्रेडिएंट यूज होते हैं। आला कार्ट ऑर्डर में वेटर द्वारा सर्विस होती है आपके टेबल में जो डिश आपने मंगाई होती है। अगर आपको कुछ और चाहिए होता है तो वेटर आपको टेबल पे सर्व करता है। दूसरा मेनू है टीडीएस। टीडीएस मतलब टेबल दी हॉट। टेबल दी हॉट का मतलब होता है सेट मेनू, टेबल ऑफ द होस्ट। इसमें भी फिक्स प्राइस होता है और लिमिटेड चॉइस ऑफ डिशेज रहती हैं। इसमें भी इसमें मेनू शेफ चॉइस करता है, शेफ चॉइस होता है जिसमें शेफ चूज करता है मेनू को, लेकिन गेस्ट को इन मेनू से क्या खाना है, क्या पसंद करता है, हमें उनको वो डिश टेबल पे सर्व करते हैं। गेस्ट चाहे तो सारे आइटम भी ले सकता है और चाहे तो अपनी पसंदीदा डिशेज भी ले सकता है। ये मेनू थाली सिस्टम जैसे होता है। तीसरा आता है बुफेट मेनू। इस मेनू में डिशेस शेफ चॉइस होती हैं, जैसे कि सूप होगा, एक दो सूप होंगे, दो चार स्टार्टर होंगे और मेन कोर्स होगा, डेजर्ट होगा। रेट रहता है पर पैक्स के हिसाब से लगाया जाता है, जैसे कि 700 प्लस टैक्स GST पर पैक्स। बुफेट मेनू में सेल्फ सर्विस होती है, यानी गेस्ट को खाना खुद लेना होता है, टेबल में खाना सर्व नहीं होता है। बुफेट मेनू ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों में होता है। चौथा है साइक्लिक मेनू। इस मेनू में 1 वीक, 2 वीक या 1 मंथ का मेनू डिसाइड होता है और 1 वीक या 1 मंथ के बाद वही मेनू रिपीट किया जाता है, उससे पहले नहीं किया जाता है। अगर 1 मंथ का बनाया होगा मेनू आपने तो 1 मंथ के बाद उसको फिर से रिपीट किया जाता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ये कहलाता है साइक्लिक मेनू। और अगला आता है डूजॉर मेनू। डूजॉर मेनू 1 दिन का मेनू होता है, ये केवल 1 दिन का मेनू होता है जिसमें जिसको हम डूजॉर मेनू कहते हैं, जो 1 दिन का स्पेशली डिश प्रिपेयर की जाती है। 1 दिन में जो स्पेशली डिश प्रिपेयर की जाती है और यह डेली चेंज होता है, तो ये कहलाता है डूजॉर मेनू। और अगला है हमारा बैंक्विट। बैंक्विट का मेनू, बैंक्विट का मेनू पार्टी, आपके फंक्शन हैं तो उनके हिसाब से मेनू डिसाइड किया जाता है। इसमें गेस्ट की चॉइस भी रहती है और शेफ की चॉइस भी का भी मेनू रहता है। गेस्ट बैंक्विट मेनू में भी आपके सूप फर्स्ट कोर्स रहेगा, वो सूप रहेगा और सेकंड में आपके स्टार्टर आ गए और थर्ड कोर्स में आ गए आपके मेन कोर्स और फोर्थ में आ गए आपके स्वीट डेजर्ट जो भी है, और जो फिफ्थ रहता है उसमें चॉइस ऑफ बिस्किट, टी, कॉफ़ी वगैरह वगैरह रहती है। और आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखें। और ये वीडियो आपको कैसे लगा और अगर आप चाहते हो मैं किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बगल में घंटी का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।